दोस्तों, इंटरनेट एक समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग की तरह है, जिसका 10% हिस्सा सरफेस वेब है और 90% हिस्सा डीप वेब होता है। जितना भी डेटा या वेबसाइट्स आप गूगल पे सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं, वो सभी सरफेस वेब में ही आता है। जैसे कि सोशल मीडिया पर जितना भी डेटा यानी कि फोटोस वीडियोस अपलोडेड हैं, वो सभी सरफेस वेब पर ही आते हैं, क्योंकि इन्हें हम ईजिली सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं। बट जो भी डेटा सर्च इंजन्स पर इंडेक्स्ड नहीं होता है, यानी कि आप गूगल जैसे सर्च इंजन से उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो डेटा डीप वेब में आता है। जैसे कि बैंक डिटेल्स, गवर्नमेंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इवन आपका जो पर्सनल डेटा है, ये सभी डीप वेब पर ही आते हैं, क्योंकि इन डिटेल्स को कोई भी ईजिली गूगल पर सर्च करके फाइंड नहीं कर सकता। और इस डीप वेब में ही एक हिस्सा है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, और डार्क वेब पर जितने भी इंटरनेट पर क्राइम्स हो सकते हैं, वो सभी हमें डार्क वेब पर ही मिलते हैं। जैसे कि डार्क वेब पर इंसान की किडनी, इंसान की खाल, इवन पूरा इंसान ही बेच रहा होता है, और किडनैपिंग, ड्रग्स, स्मगलिंग एटसेट्रा। और आज के इस वीडियो में हम इस डार्क वेब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और जानेंगे कि क्यों आपको एज अ नॉर्मल इंटरनेट यूज़र कभी भी डार्क वेब पर नहीं जाना चाहिए, और ये डार्क वेब इतना ही ज़्यादा खतरनाक है, इस पर इतने ज़्यादा क्राइम होते रहते हैं, तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती, क्या रीज़न है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 1990 में US की कुछ डिफेंस डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस ने डार्क वेब का इन्वेंशन किया, जिससे कि उनके जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं वो एनोनमस रह सकें। अब उस समय में डार्क वेब पर सिर्फ US की डिफेंस डिपार्टमेंट का ही डेटा था। अगर कोई हैकर डार्क वेब पर जाकर उन्हें हैक करता है, तो हैकर को ये कन्फर्म रहेगा कि ये US की डिफेंस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल डिटेल है। फिर US की गवर्नमेंट ने इस डार्क वेब को सभी के लिए पब्लिक कर दिया, जिससे कि हर इंसान डार्क वेब को यूज़ कर सकता था और उस पर अपनी वेबसाइट्स बना सकता था। अब इससे क्या हुआ कि डार्क वेब पर बहुत ही ज़्यादा हज़ारों में वेबसाइट्स क्रिएट हो गई। अब कोई हैकर हैक करता है तो उसे ये कन्फर्म ही नहीं रहेगा कि ये डेटा US का ऑफिशियल डेटा है या कोई फेक डेटा है। तो ऐसे हुआ था डार्क वेब का इन्वेंशन। जैसे कि सरफेस वेब पर जो वेबसाइट्स होती हैं, इनका डोमेन नेम ज़्यादातर .com, .in, .gov एटसेट्रा होता है, लेकिन डार्क वेब पर जो वेबसाइट्स होती हैं उनका डोमेन नेम .onion के नाम से होता है, क्योंकि ऑनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही होती हैं, और इसी की वजह से डार्क वेब पर हर एक वेबसाइट, हर एक इंसान एनोनमस होता है। डार्क वेब को कोई नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर होता है जिसका नाम है टॉर। अब ये ऑनियन राउटिंग क्या होती है? जैसे कि यूजुअली जब हमें अपनी आईपी एड्रेस हाइड करनी होती है, तो हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी आईपी एड्रेस हाइड हो जाती है और हम जिस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं उस वेबसाइट को हमारी रियल आईपी एड्रेस पता नहीं होती है, उसे उस वीपीएन की आईपी एड्रेस मिलती है। अगर इस वेबसाइट को हमारी रियल आईपी एड्रेस पता करनी है, तो सबसे पहले इसे इस वीपीएन को हैक करना होगा, इसके बाद जाके इसे हमारी रियल आईपी एड्रेस पता चलेगी। लेकिन ऑनियन राउटिंग में क्या होता है कि इसमें मल्टीपल वीपीएन्स लगे होते हैं, यानी कि सबसे पहले आप पहले वीपीएन से कनेक्ट होंगे, फिर दूसरे से जाके, फिर तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, और एंड में जाके हम उस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो अब इस वेबसाइट को हमारी आईपी एड्रेस पता करनी है, तो सबसे पहले इसे ये सभी वीपीएन्स को हैक करना होगा, फिर जाकर इसे हमारी रियल आईपी एड्रेस पता चलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑनियन राउटिंग। चलिए अब जानते हैं कि वाई शुड यू नेवर विजिट डार्क वेब। जैसे कि हमने समझा कि डार्क वेब पर अगर कोई अपनी वेबसाइट क्रिएट करता है, तो उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता कि ये वेबसाइट किसकी है और इसे कौन कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए डार्क वेब पर हैकर्स ने, क्रिमिनल्स ने अपना अड्डा बना रखा है, क्योंकि इनको डार्क वेब पर ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब में बताया जाता है कि रेड रूम्स होते हैं, जिसमें एक इंसान को टॉर्चर किया जाता है और उसकी वीडियो लाइव डार्क वेब पर दिखाई जाती है, और उस वीडियो को देखने वाले बिडिंग लगाते हैं कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, इसके पहले हाथ काटो, और कोई कहता है मैं सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, इसे मार ही दो। और डार्क वेब पर कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर आप लिटरली पैसे देकर किसी इंसान की सुपारी भी दे सकते हो,
और डार्क वेब पर कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर ह्यूमंस के ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, जैसे कि स्किन, हार्ट, लीवर, ब्रेन, हाथ, इवन पूरा इंसान भी। डार्क वेब पर किसी इंसान की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फेक पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, इवन पूरा बायो डेटा भी बेचा जाता है। डार्क वेब पर कुछ ऐसे सवालों पर डिस्कस किया जा रहा होता है जो कि सरफेस वेब पर एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे कि हाउ टू ईट ह्यूमन फ्लैश, हाउ टू कुक ह्यूमन फ्लैश, हाउ टू मेक अ ब्रीफ केस फ्रॉम ह्यूमन स्किन एटसेट्रा। अगर आप डार्क वेब पर जाते हैं और आपको ये पॉपअप एड्स दिखती हैं तो इन पर ये क्लोज के आइकन पर क्लिक तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये क्लोज होने की वजह आपके सिस्टम में कोई मालवेयर इंस्टॉल होने लगेगा, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ देख लें जिससे कि आपके होश उड़ जाएं, और ये होश 2-3 दिन तक उड़े ही रहें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। डार्क वेब पर एक से एक ब्लैक हैट हैकर्स मुर्गों की तलाश में जाल बिछाए बैठे रहते हैं। हो सकता है कि आप गलती से हैक हो जाएं, फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स डार्क वेब पर बिच रही हों या आपको ब्लैकमेल किया जा रहा हो। डार्क वेब पर ज़्यादातर ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में होते हैं, क्योंकि इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। और आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जब डार्क वेब पर कोई इल्लीगल वेबसाइट के ओनर को पकड़ा जाता है तो उससे ये भी पूछा जाता है कि तुम्हारी इस वेबसाइट पर और कितने कितने यूजर्स आते थे, और हो सकता है कि आप डार्क वेब सर्फ करते वक्त गलती से कोई इल्लीगल वेबसाइट पर पहुंच जाएं, इसके बाद उस वेबसाइट का ओनर पकड़ा जाए और आपके घर पर भी पुलिस दरवाज़ा खटखटाए। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों आपको एज अ नॉर्मल इंटरनेट यूज़र डार्क वेब पर नहीं जाना चाहिए, और आपके अंदर फिर भी चुल्ल है तो आप डार्क वेब पर जा सकते हैं, बट ध्यान रखना कि आपकी सिक्योरिटी टाइट हो और आप कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ पर क्लिक ना करें। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि डार्क वेब इतनी ही ज़्यादा खतरनाक है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती। एक्चुअल में गवर्नमेंट इसे बैन कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक इंटरनेट का पार्ट है जो कि डीप वेब में छुपा हुआ है। अगर डार्क वेब को बंद करने के लिए डीप वेब को पब्लिक किया भी जाता है तो आपकी आधार डिटेल, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इवन आपकी बैंक डिटेल्स भी गूगल पर सर्चेबल होंगी, और आप ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा तो हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।